नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 12 अक्टूबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर। गठिया रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन गठिया के बारे में अभियान शुरू किए जाते हैं और समय पर निदान और प्रबंधन रणनीतियों पर जागरूकता पैदा की जाती है। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गठिया से प्रभावित है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और समाज में भागीदारी को प्रभावित करता है। अनुमानित 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनका निदान नहीं किया गया है और वे ऐसे लक्षणों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है और अक्सर गलत निदान किया जाता है। इस वर्ष का विषय है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। पी साईनाथ की एक नई किताब द लास्ट हीरोज। पुरस्कार विजेता लेखक पत्रकार पी साईनाथ लगभग 2 दशक बाद इस नवंबर में एक नई किताब का विमोचन करने के लिए तैयार हैं। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम शीर्षक वाली यह पुस्तक भारत के कुछ कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक कहानियों को बयां करती है। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI द्वारा किया जाएगा। प्रकाशक ने कहा, पी साईनाथ की किताब 2 दशक से अधिक समय में उनकी पहली पुस्तक है जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आम लोगों की भागीदारी का दस्तावेजीकरण करके इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। वरिष्ठ अभिनेता अरुण बाली का 79 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन। वरिष्ठ अभिनेता अरुण बाली, जो थ्री इडियट्स, केदारनाथ, पानीपत और कई अन्य हिट फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे, का मुंबई में निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। बाली ने अपने अभिनय की शुरुआत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता लेख टंडन के टीवी शो दूसरा केवल से सुपरस्टार शाहरुख के चाचा के रूप में की थी। उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्मों में सौगंध, राजू बन गया जेंटलमैन, खलनायक, सत्या, हे राम, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, रेडी, बर्फी, मनमर्जियां, केदारनाथ, सम्राट पृथ्वीराज और लाल सिंह चड्ढा शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। डोपिंग के आरोप में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह 2025 तक निलंबित। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह को डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार वे प्रतिबंधित पदार्थ मिथेन डायनोन के परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए, जो एक प्रदर्शन बढ़ाने वाला स्टेरॉइड है। नतीजन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA ने शिवपाल सिंह को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया। प्रतिबंध 21 अक्टूबर 2021 से लागू होता है, जिसका अर्थ है कि 27 वर्षीय खिलाड़ी अक्टूबर 2025 तक खेल से बाहर रहेंगे। शिवपाल सिंह इस साल डोपिंग के जाल में फंसने वाले 5वें उल्लेखनीय भारतीय एथलीट हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH जोधपुर में भारतीय वायुसेना बेस में पेश किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को औपचारिक रूप से शामिल किया। LCH को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। LCH को प्रचंड नाम दिया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि LCH को शामिल करने से न केवल वायुसेना की युद्ध क्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी छलांग है। LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय।
अनुराग सिंह ठाकुर और किरण रिजिजू ने लॉन्च किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ। 2020 में कोविड 19 महामारी के चरम के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी अभियानों में से एक, तीसरा संस्करण केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण 2 अक्टूबर को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर तक चलेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। सुजलॉन एनर्जी के अध्यक्ष तुलसी तांती का निधन। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तुलसी तांती का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। 64 वर्षीय तांती अक्षय ऊर्जा खंड के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। 1995 में सुजलॉन एनर्जी की स्थापना के साथ तांती ने भारत में पवन क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय अक्षय ऊर्जा उद्योग में अवसर की कल्पना ऐसे समय में की जब वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का वर्चस्व था और महंगी और जटिल तकनीकों की विशेषता थी जो बड़े पैमाने पर पारंपरिक व्यवसायों के लिए अव्यवहारिक थी। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। रोहित शर्मा ने अपने T20 करियर में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है और 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत के कप्तान ने गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के दूसरे T20 में मील का पत्थर हासिल किया है। T20 क्रिकेट में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय रोहित ने अप्रैल 2007 में बड़ौदा के खिलाफ मुंबई के लिए सबसे छोटे प्रारूप में पदार्पण किया था। उन्होंने कुछ महीने बाद राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई और MS धोनी की अगुवाई वाली टीम का हिस्सा थे, जिसने 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता था। T20 प्रारूप में सबसे अधिक रन बनाने वाले रोहित के नाम सभी T20 में 10,544 रन हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नौवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की। अपने कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा रणनीति के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन की शुरुआत की है। आसिफ नगर के तहसीलदार डी सुनील कुमार ने बताया कि आसिफ नगर मंडल क्षेत्राधिकार में 10,000 नई आसरा पेंशन स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा, आसिफ नगर मंडल में कुल पेंशन भोगी 35,000 हैं, जिनमें नए 10,000 और पुराने 25,000 हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा स्वीकृत विंडो पेंशन इन्हीं लोगों को दी गई है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। FIBA फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप। USA ने चीन को हरा, 11वां विश्व खिताब हासिल किया। फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 के फाइनल में USA ने चीन को 83-61 से हराकर प्रचंड जीत दर्ज की। स्वर्ण पदक के लिए अंतिम गेम में भी बास्केटबॉल में उच्चतम लीड में से एक बन गया और अमेरिकी भी 20 अंकों की बाधा को तोड़ने में सक्षम थे। अमेरिका ने चीन को हराकर जीत हासिल की और दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। इस जीत के साथ USA ने लगातार चौथी जीत हासिल की और टीम अब तक की सबसे बड़ी प्रभावशाली टीम घोषित होने से बहुत खुश है। तो इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 12 अक्टूबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।